कुंभ मेला 2019 तैयारी में जुटा प्रयागराज। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान। कुंभ में देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका संस्कृत अर्थ होता है कलश। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला 2019 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में गंगा नदी पर एक अस्थायी पीपे के पुल का निर्माण करते भारतीय मजदूर। 45 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में लाखों हिंदू भक्त इस विश्वास के साथ आते हैं कि पवित्र नदी में डुबकी लगाकर उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला अधिकारियों से मिलने का इंतजार करता एक साधु। जनवरी 2019 से शुरू होने वाले कुंभ में लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों भाग लेने की उम्मीद है। बता दें कि 2019 में होने वाले इस भव्य आयोजन में 6 स्नान पर्व होंगे। इलाहाबाद प्रयागराज में आने वाले कुंभ मेला के लिए गंगा नदी पर अस्थायी पीपे के पुल बनाने के लिए लोहे के बीम ले जाते मजदूर। कुंभ में पहला शाही स्नान 14 जनवरी को होगा। कुंभ मेला बचकर 12 साल में आता है और दो बड़े कुंभ मेलों के बीच के समय में एक अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर आराम करता हुआ साधु। जानकारों के मुताबिक कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को होगी और कुंभ का समापन महाशिवरात्रि पर होगा। गंगा नदी पर अस्थायी पीपे की पुल बनाने के लिए सामान ले जाते मजदूर। बता दें कि 14 जनवरी के दिन पहला स्नान होगा। साथ ही इस बार वसंत पंचमी और मौनी अमावस्या को छोड़कर सभी स्नान सोमवार के दिन ही पड़ रहे हैं। गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर लगने वाले इस कुंभ मेले में लाखों तीर्थयात्री स्नान करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान या 3 डुबकी लगाने से सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को जन्म पुनर्जन्म तथा मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति होती है। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए भारी रस्सियां ले जाते मजदूर। बता दें कि सरकार ने कुंभ में श्रद्धालुओं और साधु संतों को पर्याप्त मात्रा में गंगा जल मुहैया कराने का वादा किया है।